हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी स्मोकर कफ, यानी कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन्हें अक्सर खांसी हुआ करती है, कफ निकला करता है, या बहुत ज़्यादा फेफड़ों से रिलेटेड समस्या हुआ करती है। तो ऐसी समस्याओं के कैसे निदान किए जाए होम्योपैथिक के माध्यम से, इस विषय पे विशेष आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगी, जिससे आप भी, ऐसे लोग अगर हैं, स्मोकर हैं आपके आसपास, आपके कोई फैमिली मेंबर में या आप स्वयं, तो ऐसे स्मोकिंग से बचे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी। और स्मोकिंग करना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से करते आ रहे हैं या आप उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी तबीयत नासाज होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, और आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, आपके इस नशे को कम कर सकती है, इस नशे से आपको बचा सकती है, या इस नशे के बाद जो होने वाली जो शारीरिक परेशानी है उससे आपको दूर कर सकती है। तो आइए इस विषय में आगे बात करते हैं, और इसके लिए आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखनी होगी। हो सकता है कि मैं जितनी भी दवाइयां जो बता रही हूं उसमें से कोई एक दवाई आपके लिए हो, लेकिन उसके सिम्टम बाय सिम्टम ही दवा लेनी चाहिए। अक्सर होम्योपैथिक ऐसी दवा होती है जो मानसिक, शारीरिक लक्षण व समस्या होने के कारण और वक्त के आधार पर दी जाती है, और सभी दवाइयाँ अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से फायदा करती हैं। चूँकि होम्योपैथिक में कोई भी एक समस्या की एक कोई परफेक्ट दवा नहीं होती, हमेशा हर दवाइयाँ हर बीमारी को ठीक कर सकती है, बशर्ते आपके जो शारीरिक, मानसिक जो लक्षण हैं, वह होने की जो वजह होती है वह दवाइयों से मैच करने चाहिए। यानी कि दवाई के अपने एक सिम्टम होते हैं और जो मरीज होते हैं उसके अपने सिम्टम होते हैं, तो मरीज के सिम्टम व दवाई के सिम्टम अगर आपस में मैच करते हैं तो 100% होम्योपैथी आपको चुटकियों में आपको ठीक कर सकती है। बहुत सारे अवधारणा होते हैं होम्योपैथिक में, लेकिन इन सब अवधारणा के पड़े आप बस एक ही चीज जानें कि हर व्यक्ति को होम्योपैथी सूट करती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे होम्योपैथी सेट नहीं करती। हर व्यक्ति और हर तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इसका, होम्योपैथिक पत्ती का जो भी मेडिसिन आप लेंगे आपको फायदा करेगा। चूंकि होम्योपैथी के लिए लक्षण का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और लक्षण मिल जाए तो होम्योपैथिक श्योर 110% आपको फायदा करेगी, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं, हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को निराकरण करेगी। तो अब चलिए बात करते हैं स्मोकर कफ के विषय में। तो स्मोकर कफ में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती, और जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि नेक्स भूमिका एक ऐसी दवा होती है जो ऐसे ही लोगों को दी जाती है जो स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, या चाय कॉफ़ी का नशा जिनको बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनका हाजमा बिगड़ता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ऐसे नज़ला जुकाम भी अगर आ जाए तो भी नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा फायदा देती है। यानी कि एक स्मोकर के लिए नक्स भूमिका बेहतर मेडिसिन है,
उनके इस तरह के खांसी में जो एक रात के समय बेचैनी जैसा एक खांसी हो, सरसराहट हो, उनके जो सांस नली है उसमें सरसराहट महसूस हो, ऐसे को बार बार नक्स भूमिका लेने से फायदा करती है। नक्स भूमिका 30 सुबह, दोपहर व शाम दो पुन लेने चाहिए। ऐसे मरीज जो स्मोकर हैं और ऐसा लगता है कि उनको बार बार खांसी जैसा फील होता है, वो खांसते हैं थोड़ा बेचैनी महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका बेहतर फायदा करती है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है डोरसेरा। ऐसे स्मोकर जिनको बहुत ज़्यादा खांसी तो होती है और खांसी का एक दौरा होता है, वो दौर पूरा दौरा चलता है, खांसते बहुत खांसते और बहुत ज़्यादा खांसते के बाद थोड़ा सा कफ निकलता है, तो ऐसी स्थिति और ऐसी समस्या का निदान डोरसेरा में है। तो डोरसेरा 30 पोटेंसी में ले और इसे 5 मिनट के अंतराल पर दो बार दो बूंद ले और इसके बाद पूरे दिन इस दवा को नहीं लेनी चाहिए, इस दवा को दोहरानी नहीं चाहिए, अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी के लिए मैं कहती हूँ कि आप जब भी अपना कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ से जरूर मिलें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो तो बनते हैं और लोग आपको बताते हैं, लेकिन डोरसेरा की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डोरसेरा 30 पोटेंसी में आप ले और एक ही बार, मतलब एक ही बार 5-5 मिनट के अंतराल पर दो बार आप ले सकते हैं, अन्यथा आप एक ही बार ले और इसे दोहराने की कोशिश ना करें। इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इसे आप सप्ताह में दूसरी बार आप ले सकते हैं, एक सप्ताह के बाद या 4-5 दिन के बाद आप दूसरी खुराक ले सकते हैं, अन्यथा डोरसेरा एक ही बार लेनी चाहिए। डोरसेरा 30 पोटेंसी में हमेशा याद रखें। इसके बाद तीसरी दवा है एविस नाइग्रा। एविस नाइग्रा ऐसे लोगों को बहुत फायदा करती है जैसे नक्स भूमिका है, उससे भी बेहतर काम करती है एविस नाइग्रा। एविस नाइग्रा भी ऐसे शिकायत में, खांसी में बेहद काम करती है एविस नाइग्रा। अगर आप एल्कोहलिक हैं, आप स्मोकर हैं, आप चाय कॉफ़ी की आपको बहुत ज़्यादा आदत लगी हुई है, तो ऐसे लोगों में एविस नाइग्रा भी सेम नक्स भूमिका के जैसे ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, उनकी खांसी के लिए बेहतर है। तो एविस नाइग्रा आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर वो शाम ले सकते हैं। अगर इस तरह के स्मोकिंग करने से आपको इस तरह की खांसी हुई है और बहुत ज़्यादा आप अक्सर खांसते ही रहते हैं, तो एविस नाइग्रा आपके स्वास्थ्य को पुनः सुधार सकती है। चौथी दवा है कैलेडियम। कैलेडियम ऐसे स्मोकर के लिए बेहद अच्छा होता है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नशा जो होता है वो बार बार नशा करने की आदत लगा देती है। अब अगर आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने के बाद भी आपकी तबीयत बहुत नासाज हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए मजबूरन आपको फिर से वही नशा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कैलेडियम, तंबाकू और स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह जो होती है, धूम्रपान जो होती है, उसको छुड़ाने की बेहतरीन दवा है। और कैलेडियम लेने से आपको यह जो आदत है, पुनरावृत्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कैलेडियम आपके लिए बेहतर मेडिसिन है। कैलेडियम 30 पोटेंसी में आप लें सुबह, दोपहर व शाम। आप इससे इस तरह के दुष्प्रभाव देने वाले नशा से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको इससे होने वाली जो तकलीफें हैं, जो खांसी है, वह ठीक हो जाएगी। इसकी जो खांसी होती है, कैलेडियम की जो खांसी होती है, ऐसा महसूस होता है कि पूरा आपका जो फेफड़ा है, पूरा लंग्स है, वह उसमें एक दबाव, एक भारीपन महसूस होता है। यह स्थिति आपके ब्रोनिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन कैलेडियम में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी होती है। और कैलेडियम ऐसे लोगों के लिए बेहतर फायदा करती है जो स्मोकर है। स्मोकर वाले जो खांसी है उसमें कैलेडियम बेहद बेहद अच्छी दवा है।
और इसकी अच्छी रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद आप ब्रोनियाइल भी ले सकते हैं, यह भी स्मोकर कफ के लिए बेहतर अच्छा दवा है। ऐसी स्थिति में ब्रोनिया में भी एक भारीपन, एक कसाव पैदा होता है, जैसे क्लेडियम के रोगी को होता है। लेकिन ब्रोनिया का जो रोगी होता है उसमें एक दर्द भी होता है, खांसने से दर्द बढ़ता है और बिना खांसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ब्रोनिया का जो रोगी होता है वो अपने सिर या अपने छाती को पकड़कर खांसता है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्यास भी होता है। इसके अलावे आप ऐसे जब स्मोकर हैं तो स्मोकिंग करने की आदत है, इससे आपका लंग्स में बहुत ज़्यादा कार्बन बढ़ गया है। तो ऐसे स्थिति को ठीक करने के लिए आप एक मदर टीचर का कॉम्बिनेशन भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, सिनेगा मदर टीचर व एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, सिनेगा मदर टीचर व जस्टिसिया एडाटोडा मदर टीचर, इन तीनों मदर टीचर को बराबर बराबर मात्रा में एक कांच की बोतल में आप फिल कर लें, और इसे आप 30-30 बूंद सुबह व शाम गुनगुने पानी के साथ आप ले। गुनगुना पानी एक कप ले ले, और कप में जो चाय की कप होती है उस कप को अच्छे से साफ कर ले, और उसमें 30 बूंदी ये कॉम्बिनेशन आप डाले, और उसके बाद कम से कम 30-40 ml पानी ले, गुनगुना हो, और वह पानी धीरे धीरे करके आप चाय की चुस्कियों की जैसे आप धीरे धीरे उसे पिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो आपके लंग्स में कार्बन भरा था और अक्सर खांसी रहा करती थी, और दूसरी चीज कि इससे आपकी तबीयत हमेशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, आपको कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, यह भी ठीक हो जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन को 2-3 महीने तक आप सिर्फ रूप से लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के स्मोकिंग को छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे छोड़ने में आपको कैलेडियम बहुत अच्छा हेल्प करेगा। कैलेडियम व एबिस नाइग्रा ऐसे नशे को कम करती है और ऐसे नशे को उबारने में बेहतर काम करती है। इसके अलावे लोबेलिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, और यह जो दवा होती है, जैसे कि आपके लंग्स में दिक्कत हो, रुकावट हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, आप गहरी सांस ले नहीं सकते, और जैसे ही गहरी सांस लेते हैं तो आपको खांसी होने लगती है, इसके बाद आपका जो है कि छाती हमेशा भारी भारी लगता है, ऐसे लगता है बहुत सारा वजन आपके सीने पे रख दिया गया हो, तो वैसा अगर स्मोकिंग कफ में अगर दिक्कत आए तो आप लोबेलिया को ले सकते हैं। लोबेलिया भी आप 30 पोटेंसी में ले, बेहतर अच्छा काम करता है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।